हाय गाइस, मैं हूँ पार्थ और आप देख रहे हैं बेसिक और ड्राइंग। आज के इस वीडियो में मैं एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ जिसमें एक बच्चा होगा और वो दो पेड़ों के बीच में लगे हुए झूले पर बैठा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यह ऊपर हम येलो और ये कलर देंगे। देखिए ये कलर है, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिंक कलर दे रहा हूँ। ये जो है मैंने रेड और वाइट कलर मिला के बनाया है। ये कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो पिंक कलर है ये येलो कलर के साथ बैंड करना है। इसके लिए हमें वाइट कलर लगेगा, थोड़ा सा व्हाइट कलर हम इन दोनों के बीच में ऐसे दे देंगे इस तरह से। यह इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर दे देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे येलो कलर और पिंक कलर को बेंड कर दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो देखता हूँ, हो गया। अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर यहाँ नीचे तक लेके आएंगे थोड़ा सा। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंक हुआ। इस तरह से हम यहाँ पे कलर दे रहे हैं। हमें तकरीबन यहाँ तक हमें रेड और पिंक, मतलब पिंक कलर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंक देना, मतलब रेड। आप यहाँ पे डार्क पिंक या फिर रेड कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइट दे देंगे। इस तरह से अब हम नीचे ऊपर जैसा ही नॉर्मल कर देंगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा और रेड दे देते और उसके ऊपर व्हाइट दे देते हैं। इस तरह से और हम यहाँ पे पिंक कलर दे देंगे। पहले जैसे दिया था वैसे।
देखिए ये अच्छे से हमने पूरी तरह पिंक कलर दे दिया है, और हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वाइट कलर दे देंगे। यहाँ तक हमें पिंक कलर दे दिया, अब हम क्या करेंगे नीचे वापस येलो कलर दे देंगे, लेमन येलो। अब हमें इसे बेंड करना है, देखिए इस तरह से ये बेंड हो गया है, इस तरह से ये बेंड हो गया है। अब हम क्या करना है नीचे ग्रीन कलर दे देना है, अब हमें नीचे लाइट ग्रीन कलर देना है, नीचे जो है थोड़ा डार्क हो ग्रीन कलर, और ऊपर हम ग्रीन कलर के साथ वाइट कलर दे देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया है, अब हम यहाँ पे पेंट भून देंगे। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर दे देता हूँ इस तरह से, अब मैं इस पे ग्रीन कलर देता हूँ। इस तरह से जो है हमें कलर देना है। अब हमें येलो कलर और ग्रीन कलर को बेंड करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ दो साइड में दो दो पेड़ बना देंगे ब्लैक कलर से। देखिए मैंने इस तरह से दोनों पेड़ ब्लैक कलर से कलर कर दिए। अब हमें इसकी टहनियाँ बनानी है, देखिए इस तरह से हम टहनियाँ बनाएंगे। देखिए छोटी टहनी होगी, तरह से हम और भी टहनियाँ बनाएंगे। देखिए मैंने इस तरह से इन दोनों पेड़ों की टहनियाँ बना दी है। अब मैं क्या करूँगा इन पे फ्लावर्स बनाऊँगा, मैं इस तरह से इसे देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे फ्लावर्स जैसा बना दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे झूला बनाएंगे, अब हम यहाँ पे एक झूला बनाएंगे जिसके लिए मैं स्केल और ब्लैक स्केच पेन ले रहा हूँ। हम यहाँ से ऐसे एक रो बनाएंगे झूले की यहाँ तक इस तरह से, और इस साइड भी हम वैसे ही एक रो बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये रो हो गए। अब हम क्या करेंगे ऐसे इस तरह से ये जो है झूला बन जाएगा, और यहाँ पे हम इसे जॉइन कर देंगे इन दो को और इन दोनों को। देखिए झूला हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैक कलर और यहाँ पे ब्राउन कलर देंगे। देखिए गाइस इस तरह से मैंने झूला बना दिया है। अब हम क्या करेंगे इस पे बैठा हुआ एक बच्चा बनाएंगे। देखिए गाइस मैंने उस बच्चे का एक रफ स्केच बनाया है, आई होप कि आपको दिख रहा है। एक मिनट मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये है वो बच्चा। अब हमें क्या करना है इस बच्चे को भी ब्लैक कलर देना है, जैसे कि हम ये पेड़ को दिए थे हम इसे भी ब्लैक कलर से कलर करना है। देखिए गाइस अब हमारी पेंटिंग जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं इसकी टेप निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस अब मैंने इसकी जो टेप है वो हटा दी है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।